बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? तो जनाब, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर 13 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस। इनके आंसर्स का जो पीडीएफ है, उसके डाउनलोड का जो लिंक है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए, आइए हम अपने क्वेश्चन आंसर को स्टार्ट करते हैं। जी, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। रब प्लास्टिक रोलर विद योर हेयर, प्लेस इट नियर रनिंग वाटर फ्रॉम टैप, यू सी डैट थिन स्ट्रीम इज डिफ्लेक्टेड, वाई? कह रहा है कि आप जो है ना, एक कोई कंघा लें, प्लास्टिक का कोई ऑब्जेक्ट लें, उसको अपने बालों के साथ रब करें। रब करने के बाद जब आप उसे पानी की बहती हुई स्ट्रीम के साथ, यानी कोई टैप है, कोई टूटी है जिसे पानी बह रहा है, तो जब उसके पास करेंगे तो ये जो स्ट्रीम है, इधर डिफ्लेक्ट कर जाएगी, ठीक है? हालांकि इसे पानी को स्ट्रेट आना चाहिए, लेकिन ये थोड़ी बहुत जो डिफ्लेक्शन इसके अंदर आई है, इसकी वजह क्या है? तो जी, इसकी वजह है हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। कि ये जो काम हुआ है, ये किस वजह से हुआ है? दिस हैपन्स ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या होता है, ठीक है? क्योंकि ये हमारे पास कई क्वेश्चंस के अंदर जो है, वो आगे और भी ये रीजन इस्तेमाल होगी। तो अगर तो आपने थ्योरी में इसे पढ़ा हुआ है, तो वेल एंड गुड, वो फिर तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है? लेकिन अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का आइडिया नहीं है, तो एक मरतबा ज़रा हम इसको रिव्यू कर लेते हैं, फिर हम जो है दोबारा इसकी रीजन पे आते हैं। तो देखें जरा जनाब, हम जो है यहाँ पे देखें जी, ये हमारे पास एक फॉर्मल डेफिनेशन है इस प्रोसेस की, कि चार्जिंग विदाउट एक्चुअल कांटेक्ट। आपको ये तो पता है कि जब हम कुछ ऑब्जेक्ट्स जो हैं, उन्हें रब करते हैं एक दूसरे के साथ, तो फ्रिक्शन की वजह से जो है, इलेक्ट्रॉन्स का जो है वो अखराज होगा या हसूल होगा, लॉस होगा या गेन होगा, तो बॉडीज चार्ज हो जाएंगी। लेकिन इस प्रोसेस में क्या होता है कि बॉडीज का आपस में कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी वो क्या हो जाएंगी? चार्ज हो जाएंगी। इसको जरा इस डायग्राम से समझें। देखें, लेट्स सपोज हमारे पास एक चार्ज रोड जो है ना, वो अब इसके पास लेके आ रहे हैं। ये जो स्फीयर है आपको नजर आ रहा है ना, ये ओवरऑल न्यूट्रल है, यानी कि इसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस बराबर है। जब ये रोड इसके पास आएगा ना, तो अब भी ये न्यूट्रल ही है, लेकिन होगा क्या कि इस जो ये स्फीयर है, इसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड डिस्टर्ब हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड से क्या मुराद है? कि चार्जेस की जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वो यूनिफॉर्म नहीं होगी, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज जो है ना, वो क्या करेगा, इस बॉडीज के जो नेगेटिव चार्जेस हैं, इनके कह लें कि एक तरफ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन्हें अपनी तरफ खींच लेगा, घसीट लेगा, यूं समझ लें, ठीक है? तो इस एंड पे जो कि इस कंडक्टर के पास है, इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो जाएंगे, या यूं समझ लें नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा, और उस एंड पे इलेक्ट्रॉन जरा कम हो जाएंगे, या यूं समझ लेंगे उस एंड पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है? लेकिन ये होगा पार्शियली, मतलब कि ऐसा नहीं है कि ये बॉडी नेगेटिव चार्ज हो चुकी है, ये बॉडी पॉजिटिव चार्ज हो, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। जस्ट इस एक्सटर्नल कंडक्टर की प्रेजेंस की वजह से जो है ना, हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड डिस्टर्ब हो गया, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की जो पोजिशन है जरा वो हिल गई है, जिसकी वजह से जो ये वाला एंड है ना, ये स्लाइटली नेगेटिव हो गया है, और ये वाला एंड स्लाइटली क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। तो ये जो हमारे पास दो एंड्स हैं, मतलब एक तो चार्ज कंडक्टर पॉजिटिव और दूसरा ये नेगेटिव एंड, इनमें क्या होगी? अट्रैक्शन होगी। तो यही ये जो अट्रैक्शन हो रही है, किस वजह से हो रही है? दिस हैपेंस ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। कि ये जो बॉडी है, ये जो पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, इसने इस स्फीयर से कॉन्टेक्ट में आए बगैर ही क्या कर दिया है? इसके ऊपर चार्ज इंड्यूस कर दिया है, ठीक है जी? तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। और यहां से जो है ना, मैं आपको एक और बात क्लियर कर दूं। आपने जो है ना, बहुत सारे जो है इसके छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट्स जो हैं पढ़े होंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के। फॉर एग्जाम्पल, कि जिस तरह आपने जो बाल हैं उन्हें कंघी करें, और कंघी जो है ना, वो आप पेपर के पीसीस के पास लेके आए, अब पेपर के पीसीस जो है वो अट्रैक्ट होंगे। अब वो अट्रैक्शन क्यों होंगे? हालांकि चले, रब करने से ये मान लेते हैं कंघे पे चार्ज आ जाता है, जो कि फैक्ट है, लेकिन जो पेपर है वो तो न्यूट्रल था, तो न्यूट्रल की जो चार्ज बॉडी है, उससे अट्रैक्शन हो जाती है। ये जो हमारे पास एक्सपेरिमेंट है, ये एक एक्टिविटी है, वो ये एक्सप्लेन कर रही है ना, कि एक चार्ज बॉडी की एक न्यूट्रल के साथ अट्रैक्शन पॉसिबल है। तो वो क्यों पॉसिबल है? उसके पीछे भी जो साइंस इन्वॉल्व है, वो यही है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। कि जब वो पॉजिटिव चार्ज कंघा होगा, या नेगेटिव चार्ज जो भी हो, चार्ज कंघा जो होगा, वो दूसरी बॉडी के ऊपर जो है वो चार्ज को इंड्यूस कर देगा। जिस तरह यहाँ पे हुआ, फॉर एग्जाम्पल, अगर ये चार्ज रोड नेगेटिव होता, अगर ये नेगेटिव चार्ज रोड होता, तो पॉजिटिव चार्ज इस तरफ आता और नेगेटिव चार्ज उस तरफ जाता, यानी कि जो पास वाला एंड है ना, हमेशा उस पे ऑपोजिट चार्ज इंड्यूस होगा। इसी वजह से जो है ना, इस पॉजिटिव और इस नेगेटिव में अट्रैक्शन हुई है। और अगर ये चार्ज और नेगेटिव होता,
तो उस नेगेटिव में और यहां पर पॉजिटिव आता उस केस में, तो उनके दरमियान भी अट्रैक्शन ही होनी थी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन से जो है वो हमेशा जो है वो क्या होगी, अट्रैक्शन ही होगी। अब जरा हम आते हैं अपने इस क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ देखें, यहाँ भी हमारे पास जो है वो यही काम हो रहा है कि जिस प्लास्टिक रोलर को जो है ना वो हम अपने कंघों पे जो है वो अपने बालों से फेर रहे हैं, तो उसके ऊपर चार्ज आ जाएगा। जब ये चार्ज आ चुका है, वाटर के ऊपर, पानी के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो इस हमारे पास रोलर के ऊपर जो है चार्ज था, तो उसने पानी के ऊपर जो है चार्ज को इंड्यूस किया और उनके दरम्यान जो है वो अट्रैक्शन हुई। उस अट्रैक्शन की वजह से ये जो हमारे पास पानी की धार है, पानी या वाटर स्ट्रीम जो है, ये जो है ये डिफ्लेक्ट कर जाएगी। ठीक है जी, तो अब इसको जरा एक दफा रीड कर लेते हैं। व्हेन वी रब प्लास्टिक रोलर विद आवर हेयर, जब हम अपने बालों के ऊपर जो है प्लास्टिक का रोलर फेरेंगे, अ चार्ज इज प्रोड्यूस्ड ऑन इट, उस रोलर के ऊपर क्या आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा। वजह क्या होगी, ड्यू टू लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। व्हेन दिस चार्ज प्लास्टिक रोलर इज प्लेस्ड नियर रनिंग वाटर फ्रॉम टैप, जब इस चार्ज प्लास्टिक रोलर को हम पानी की बहती हुई धार के पास रखेंगे, तो उससे क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास इट इंड्यूसेस ऑपोजिट चार्ज ऑन इट, ये इसके ऊपर जो है एक उलट चार्ज इंड्यूस कर देगा। ठीक है, जो हमें अभी हमने देखा इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में यही काम होता है ना, एन अट्रैक्टिव फोर्स डिवेल बिटवीन देम, इनके दरमियान जो अट्रैक्शन की फोर्स है वो होगी, देयर फोर थिन स्ट्रीम ऑफ वाटर इज डिफ्लेक्टेड, तो जो पानी की जो हमारे पास ये थिन स्ट्रीम है ये डिफ्लेक्ट हो जाएगी। अगर मतलब यहाँ थिन स्ट्रीम से मराब ये इसलिए लेना चाह रहे हैं क्योंकि अगर पानी बहुत ज्यादा होगा ना तो चार्ज में इतनी कुवत नहीं होगी कि वो पानी की जो कह रहे हैं कि एक तरह से स्ट्रीम से डिफ्लेक्ट करवा सके, यानी कि बहुत स्मॉल और वीक फोर्स होगी, इसलिए जो है ना थिन स्ट्रीम में डिफ्लेक्ट होगी, जो जरा थिक स्ट्रीम होगी वो डिफ्लेक्ट नहीं होगी। अब चलते हैं अपने अगले सवाल के ऊपर। क्वेश्चन नंबर टू है हमारे पास, टू आइडेंटिकल स्फीयर्स हैव मैसेस, देन वी चार्ज बोथ स्फीयर ऑपोजिटली चार्ज, आफ्टर चार्जिंग विल देयर बी बोथ बॉडीज हैव सेम मैसेस और डिफरेंट मैसेज। कह रहे हैं दो स्फीयर्स हैं, उनका मैस सेम है, दोनों को हमने चार्ज कर लिया ऑपोजिटली, यानी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो क्या उनके मैसेज सेम होंगे। अब देखें चार्ज आता क्यों है, इलेक्ट्रॉन के जाने से आएगा पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन के आने से आएगा नेगेटिव चार्ज, तो जिस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं जो कि पॉजिटिव चार्ज होगी ना, अब इलेक्ट्रॉन का मैस होता है, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि 1 खरब इलेक्ट्रॉन गए हैं तो बॉडी पे इतने कूलम चार्ज आ गया, ये चीज, तो अब इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ मैस तो है ना, जब वो इलेक्ट्रॉन बॉडी से लूज हो रहे हैं तो उसका मैस लूज हो रहा है, और अगर सिमिलरली इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं तो मैस वाले पार्टिकल्स आ रहे हैं, तो नेगेटिवली चार्ज बॉडी जरा हैवी होगी एज कम्पेयर टू पॉजिटिवली चार्ज बॉडी के। इसको जरा एक दफा रीड कर लेते हैं। कह रहा है कि जी नो देयर मैसेज आर नॉट सेम आफ्टर चार्जिंग, चार्जिंग के बाद उनके मैसेज सेम नहीं होंगे। वजह क्या है जी, वी नाउ डेट बॉडीज अटेन पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नेगेटिव चार्ज ड्यू टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हम जानते हैं कि बॉडीज के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है, इलेक्ट्रॉन्स के जाने की वजह से, लॉस की वजह से, नेगेटिव चार्ज क्यों होता है, इलेक्ट्रॉन की एडिशन की वजह से। बिफोर चार्जिंग द स्फीयर्स हैव इक्वल मासेस, चार्जिंग से पहले उनके मासेस बराबर थे, लेकिन बट आफ्टर चार्जिंग नेगेटिवली चार्ज बॉडी विल बी हैवियर ड्यू टू एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, के जो नेगेटिवली चार्ज बॉडी है वो जरा भारी होगी। वजह क्या है, इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं, ऐड हो चुके हैं, एंड पॉजिटिवली चार्ज बॉडी विल बी लाइटर ड्यू टू रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है वो जरा हल्की होगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसने लूज कर दी है। ठीक है जी, यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉन का मैस लाजमी लिख दें ताकि जो है ना उससे थोड़ा बहुत आपका आंसर सॉलिड हो जाए कि भाई ये इलेक्ट्रॉन का मैस है, तो इसलिए जो है ना अगर अगर इलेक्ट्रॉन आ जा रहे हैं तो मैस के ऊपर फर्क पड़ेगा। बट यहाँ पे आप गौर फरमाएं कि -31 है 10 की पावर में, यानी कि 0 पॉइंट के बाद 31 जीरो आएंगे, तो इतना कम इलेक्ट्रॉन का मैस है। यही वजह है कि अगर आप इस मैस के फर्क को यूज करने अगर आप देखना चाह रहे हैं कि फर्क कितना आता है, तो आप जो हमारे पास नॉर्मल बीम बैलेंस होता है या कंडा होता है, जो भी हमारे पास वेट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, तो उससे आप फर्क नहीं कर सकते। इसके लिए जो है ना आपको अटोमिक लेवल के ऊपर जो है, यानी कि जो बहुत ही माइक्रोन्स के अंदर जाके भी जो है ग्राम की मेजरमेंट कर सकें, वो इंस्ट्रूमेंट्स आपको चाहिए होंगे। ठीक है जी, तो नॉर्मल जो बीम बैलेंस है वो इस फर्क को डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, ये भी आपने बात याद रखनी है, लेकिन थ्योरेटिकली काम यही हो रहा होगा। अब चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, यू टेक योर कार टू सर्विस स्टेशन टू गेट इट पॉलिश। कह रहा है कि आप अपनी कार को लेके गए सर्विस स्टेशन, उसे पॉलिश करवाया। आफ्टर अ व्हाइल यू ऑब्जर्व डेट योर कार अट्रैक्ट्स द डस्ट। कह रहा है कि थोड़ी देर बाद जो है ना आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जो आपकी कार है वो जरा मिट्टी को अट्रैक्ट कर रही है।
वाई इज द डस्ट अट्रैक्टेड बाय द कार, कि वो जो डस्ट है उस मट्टी ने, यानी वो कार ने उस मट्टी को क्यों अट्रैक्ट किया, ये सवाल है। तो देखिए ये बिल्कुल उससे मैच कर रहा है हमारी जो पहले क्वेश्चन की रीजन थी कि ये भी काम क्यों हो रहा है। दिस इज आल्सो हैपनिंग ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, कि जब आपने कार को पॉलिश करवाया, जब कार को पॉलिश लगेगी, फ्रिक्शन होगी, रबिंग होगी, कार के ऊपर कोई चार्ज आ जाएगा। हमें इससे गर्द नहीं है, पॉजिटिव आए नेगेटिव आए नो मैटर, चार्ज जरूर आ जाएगा। तो चार्ज जो हमारे पास कार है वो स्लाइटली चार्ज हो चुकी है। अब जो कार के इर्द गिर्द मट्टी है दैट इज न्यूट्रल, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। तो चार्ज कार जो है वो उस मट्टी के ऊपर ऑपोजिटली चार्ज, जो बॉडीज हैं जो मट्टी है उसके ऊपर एक ऑपोजिट चार्ज इंड्यूस करेगी, ठीक है, और फिर उनके दरमियान क्या होगी, अट्रैक्शन होगी। सेम वही रीजन जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस की थी। चलिए इसको एक बार रीड कर लेते हैं। आफ्टर द कार इज पॉलिश, कह रहा है जैसे आप कार को पॉलिश कर चुके होंगे, इट बिकम्स अ चार्ज बॉडी, ये एक चार्ज बॉडी बन जाएगी, आइदर पॉजिटिव या नेगेटिव। इट इंड्यूसेस ऑपोजिट चार्ज ऑन द नियर बाय डस्ट ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से ये जो दूसरे नियर बाय डस्ट है, इर्द गिर्द की मट्टी है, उसके ऊपर ऑपोजिट चार्ज इंड्यूस करेगी। दैट्स वाई अट्रैक्टिव फोर्स डिवाइड्स बिटवीन द पॉलिश कार एंड डस्ट पार्टिकल। इसलिए जो है ना, जो पॉलिश कार है और डस्ट पार्टिकल्स हैं उनके दरमियान क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से जो है अट्रैक्शन की फोर्स डिवेल्प हो जाएगी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। टेक टू ऑपोजिटली चार्ज रोड्स, प्लेस देम सेपरेटली नियर स्मॉल पीसेज ऑफ पेपर, वाई डू दे बोथ अट्रैक्ट स्मॉल पीसेज ऑफ पेपर। कह रहा है कि दो चार्ज रोड लें, दोनों ऑपोजिटली चार्ज हैं, उन्होंने जो है क्या किया, अपने इर्द गिर्द जो यानी कि स्मॉल पेपर के पीसेज उन्होंने अट्रैक्ट किया। कह रहा है दोनों ने अट्रैक्ट किया। इज देयर एनी थर्ड टाइप ऑफ चार्ज ऑन पेपर विच अट्रैक्ट बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। कह रहा है क्या यहाँ पे कोई तीसरी किस्म का चार्ज भी है जो दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो देखिए ना, यहाँ से वही बात बार बार हमारे पास वो रीजन आ रही है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की। देखिए एक दफा मैं इसको फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ, जरा अब इसको गौर समझ लें। एक बॉडी पॉजिटिव चार्ज है, दूसरी बॉडी पॉजिटिव चार्ज है, दोनों को आप पास लेके आए, क्या होगी, रिपल्शन होगी, ठीक है जी। तो रिपल्शन से ये हमें श्योरली टेस्ट हो जाता है कि बॉडीज जो हैं ऑपोजिटली चार्ज है। लेकिन एक बॉडी पॉजिटिव चार्ज है, आप उसे दूसरी बॉडी के पास लेके आते हैं, उनमें अट्रैक्शन हो गई है, तो क्या आप ये क्लेम कर सकते हैं कि दूसरी बॉडी नेगेटिवली चार्ज है? आप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर तो वो नेगेटिवली चार्ज है फिर तो अट्रैक्शन होनी ही होनी है, ये तो हमें पता ही है। लेकिन अगर वो न्यूट्रल भी है ना, तो फिर भी हमारे पास क्या होगी, अट्रैक्शन होगी। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज बॉडी है वो न्यूट्रल के ऊपर चार्ज को इंड्यूस कर देगी। तो अट्रैक्शन से आप फोर्स को नहीं बता सकते, अट्रैक्शन की फोर्स से आप चार्ज को नहीं बता सकते कि बॉडीज चार्ज हैं, बॉडीज के ऊपर ऑपोजिटली चार्ज हैं, क्या चीज़ है। हाँ, रिपल्शन से आप चार्ज को ये जरूर बता सकते हैं कि बॉडीज के ऊपर सेम चार्ज है, इन केस ऑफ रिपल्शन। अब सवाल उसने काफी टेक्निकल पूछा हुआ है, सिंपल सी, जो मतलब कि जेन में भी आता है ना, कि पॉजिटिवली चार्ज बॉडी यानी कंघे के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो फिर भी इन पेपर को अट्रैक्ट कर रहे हैं, कंघे के ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो फिर भी इन्हें अट्रैक्ट करेगा, ठीक है जी। अब सवाल जेन में ये आता है कि क्या हमारे पास पेपर के ऊपर कोई थर्ड चार्ज है जो उन्हें अट्रैक्ट कर रहा है? तो ऐसे तो नहीं है, ठीक है जी। वजह क्या है हमारे पास, कि जब चार्ज रोड हमारे पास या चार्ज कॉम जो भी आप कह लें, फर्ज कर लें कंघा हमारे पास नेगेटिवली चार्ज है, तो ये पेपर के पीसीज है, तो कंघा क्या करेगा, आप पेपर के पीसीज न्यूट्रल हैं, कंघा जो है वो इसके ऊपर चार्ज इंड्यूस कर देगा, पास वाले एंड पे पॉजिटिव, दूर वाले एंड पे नेगेटिव, पास वाले एंड पे पॉजिटिव, दूर वाले एंड पे नेगेटिव। तो इन पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या हो जाएगी, अट्रैक्शन हो जाएगी। तो ये जो अट्रैक्शन हो रही है, दिस इज बिटवीन नेगेटिवली चार्ज बॉडी एंड न्यूट्रल बॉडी। फर्ज कर लें कंघा हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज था, तो उस केस में क्या होता, उस केस में यहाँ नेगेटिव आता, यहाँ पॉजिटिव आता, फिर भी अट्रैक्शन ही होनी थी। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में हमेशा क्या होगी, अट्रैक्शन ही होगी, जो उससे आप चार्ज इंड्यूस करेंगे, ठीक है। तो इसको एक बार रीड कर लेते हैं। देयर इज नो थर्ड टाइप ऑफ चार्ज ऑन द पेपर, पेपर के ऊपर कोई भी तीसरी किस्म का चार्ज नहीं है। इनफैक्ट इट हैपन्स ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, दर हकीकत ये क्यों हो रहा है, वजह है जनाब इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। व्हेन चार्ज रोड्स आर प्लेस्ड नियर स्मॉल पीसेज ऑफ पेपर दे इंड्यूस ऑपोजिट चार्ज ऑन द पीसेज ऑफ पेपर ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, कि जब चार्ज रोड पेपर के पीसेज के पास आएंगे तो वो इनके ऊपर जो है ऑपोजिट चार्ज इंड्यूस कर देंगे। दैट्स व्हाई अट्रैक्टिव फोर्स डिवेल्प बिटवीन द चार्ज रोड्स एंड स्मॉल पीसेज ऑफ पेपर, इसलिए जो है उन दोनों के दरमियान जो है अट्रैक्शन की फोर्स हो जाएगी।
आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। आगे चलते हैं जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज 10 न्यूटन। दो पॉइंट चार्जेस के दरमियान जो फोर्स है वो 10 न्यूटन की है। इफ देयर चार्ज इज डबल, अगर हमने चार्ज को डबल कर दिया है, एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज रिड्यूस टू हाफ, और डिस्टेंस को आधा कर दिया है, वॉट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स बिटवीन देम, उनके दरमियान जो फोर्स है उसके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। तो देखें जनाब, आप 10th क्लास में आ गए हैं, आपने कुछ सवाल इस तरह के 9th में भी किए हैं कि इक्वेशन आपके पास होती हैं, इसको बढ़ा दें क्या होगा, इसको कम कर दें क्या होगा। तो फिजिक्स के स्टूडेंट के होने के नाते आपको इक्वेशन से रिलेशन जरूर बनाने आने चाहिए, ठीक है। ये याद नहीं करने होते, ये कभी याद भी नहीं हो सकते, ये आपको जो है वो सीखने ही पड़ेंगे। अब इस केस में क्या कह रहा है जी, इस केस में ये कह रहा है जी, अच्छा यहाँ पे जो है फिलहाल 16 टाइम्स कैसा है, इसके ऊपर अभी हम बाद में आते हैं, पहले इसको सोल्व करते हैं। देखिए कह रहा है फोर्स है 10 न्यूटन, जो हमारे पास चार्जेस के दरमियान कूलम फोर्स होती है उसका फार्मूला क्या होता है, के क्यू वन क्यू टू आर स्क्वेयर। के क्या है, कूलम्स कॉन्स्टेंट, क्यू वन पहला चार्ज, क्यू टू दूसरा चार्ज, आर क्या है डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज, ठीक है, ये हमारे पास कूलम फोर्स का फार्मूला है। तो कह रहे हैं कूलम फोर्स है 10 न्यूटन, चार्ज को डबल कर दिया, डिस्टेंस को हाफ कर दिया, यानी कि जो है वो कह रहा है कि जो क्यू वन है ना, अब मैं यहाँ पे यूज करूँ क्यू वन प्राइम, ठीक है, यानी कि जो हमारे पास सेकंड चार्ज है वो डबल है क्यू वन वाले से। सिमिलरली जो सेकंड हमारे पास जो न्यू क्यू टू प्राइम वाला चार्ज है वो इस क्यू टू का डबल है। ये तो उसने हमें कंडीशन दी है कि चार्जेस को डबल कर दें और डिस्टेंस को हाफ कर दें, यानी आर प्राइम क्या कर दें आप, आर बाय टू कर दें। ये आपने लिख लिया जो उसने आपको कंडीशन दी थी। अब आपने इसी को फॉर्मूले में पुट कर दें, कैसे करना है जरा यहाँ देखें जी। अब देखिए हमारे पास जो एफ प्राइम है वो किसके बराबर आ जाएगा, के, के तो कॉन्स्टेंट है वो वैसे ही आ गया, क्यू वन प्राइम क्यू टू प्राइम, और जहां पे आर वहां पे आर प्राइम का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। फर्ज कर लें अगर मुझे कहता है कि डिस्टेंस को मैंने सेम रखा है तो तब मैं आर प्राइम ना लिखता क्योंकि अब डिस्टेंस सेम रह रहा है, ठीक है। जो जो तब्दील होगा प्राइम का फैक्टर है जो भी आप यूज करें कोमा वगैरह वो उसी के ऊपर आएगा। अब आपने करना क्या है, जहां पे क्यू वन प्राइम लिखा है वहां टू क्यू वन पुट कर दें, जहां पे क्यू टू प्राइम लिखा है वहां टू क्यू टू पुट कर दें, जहां पे आर प्राइम है वहां क्या पुट कर देंगे आप, आर बाय टू, ठीक है जी। लेकिन आर बाय टू का स्क्वेयर भी है क्योंकि इसके ऊपर आर प्राइम का स्क्वेयर है, तो आर प्राइम क्या आया आर बाय टू उस होल का स्क्वेयर है। तो देखें 2 जरा 2 हमारे पास क्या हो जाएगा, डेट विल बी 4, ठीक है जी। और आर का स्क्वेयर आर स्क्वेयर, टू का स्क्वेयर देखें ये 2 का स्क्वेयर है, ये 4 हो जाएगा, आर स्क्वेयर बाय 4। अब ये जो 4 है ये डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में है, ये 4 ऊपर आ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 4 × 4 क्या हो जाएगा, दिस 4 × दिस 4 ये क्या हो जाएगा 16। बाकी जो के क्यू वन क्यू टू आर स्क्वेयर है वो वैसे ही रह जाएगा। अब ये किसका फार्मूला है, ओरिजिनल कूलम फोर्स का, तो इसको आप पुट कर दें, एफ प्राइम किसके बराबर आ जाएगा 16F के, और इसकी हमें वैल्यू क्या दी हुई थी 10, तो 16 × 10 हमारे पास क्या हो जाएगा 160 न्यूटन। तो जनाब ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। तो चार्ज पहले थी जो फोर्स थी पहले वो थी हमारे पास 10 न्यूटन, अब हो गई 160 न्यूटन, यानी कि 16 गुना फोर्स जो है वो बढ़ चुकी है, ठीक है। जो 16 का फैक्टर है वो हमारा मेन आंसर है कि फोर्स 16 गुना बढ़ेगी। सिमिलरली अब जरूरी नहीं है कि पेपर में यही गए, पेपर में वो ये कह सकता है कि चार्जेस को हाफ कर दिया है, डिस्टेंस को डबल कर दिया, यानी कि डिस्टेंस 2r कर दिया, हमने Q1/2 कर दिया, तो इसकी डिफरेंट कंडीशन आ सकती है। तो आपने उस तरह से जो है ना इसे सॉल्व करना सीखना है, क्रैम करना नहीं सीखना, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हम रिलेशंस किस तरह डिवेलप करते हैं। तो चलिए आइए अब अगले सवाल के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। 100 कूलम चार्ज बॉडी ऑफ मास 20 किलोग्राम रिपेल्स 1 कूलम चार्ज बॉडी ऑफ 10 ग्राम विद अ फोर्स ऑफ 2000 न्यूटन। कह रहा है एक बॉडी है उसका मास 20 kg है और चार्ज 100 कूलम है, दूसरी बॉडी है जिसका मास 10 ग्राम है और चार्ज 1 कूलम है। तो 100 कूलम वाली ने 1 कूलम वाली के ऊपर फोर्स लगाई है 2000 न्यूटन। अब 1 कूलम वाली जो है वही पूछ रहे हैं विल स्मॉलर चार्ज बॉडी अप्लाई सेम फोर्स, स्मॉलर फोर्स ग्रेटर फोर्स। 1 कूलम चार्ज वाली बॉडी इस 100 वाले के ऊपर कितनी फोर्स लगाएगी, 2000, 2000 से कम, 2000 से ज्यादा। तो जनाब इसका आंसर हमारे पास क्या है जी, जो 1 कूलम चार्ज वाली बॉडी है वो भी इतनी ही फोर्स लगाएगी, ठीक है जी। क्योंकि हमारे पास जो कूलम फोर्स है ना ये एक म्यूचुअल फोर्स होती है, यानी कि अगर चार्ज वन अप्लाई कर रहा है चार्ज टू के ऊपर फोर्स, तो एज अ रिएक्शन चार्ज टू भी चार्ज वन के ऊपर फोर्स लगाएगा, लेकिन सेम अमाउंट के लिए लगाएगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में जरूर होगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये प्लस क्यू वन चार्ज है, ये प्लस क्यू टू चार्ज है, अगर प्लस क्यू वन के ऊपर एफ वन की रिपल्सिव फोर्स लग रही है तो क्यू टू के ऊपर जो एफ टू की रिपल्सिव फोर्स लग रही है
वो भी बराबर होगी, यानी एफ टू और एफ वन क्या होंगे, बराबर। सिमिलरली अट्रैक्शन हो रही है तो वो फोर्स भी क्या होगी, बराबर होगी। क्लियर होगी बात? यानी फर्ज कर ले, मैं आपसे कहता हूँ इस बॉडी पे चार्ज है 100 माइक्रो कूलम, इस पे चार्ज है 10 माइक्रो कूलम, तो किसकी फोर्स ज्यादा होगी? दोनों की फोर्स सेम होगी, ठीक है, दोनों की जो रिपल्शन की फोर्स है वो सेम होगी, तो दोनों सेम फोर्स के साथ जो है वो रिपेल होंगे। अब अगर मैं आपसे पूछूं, जरा गौर फरमाइएगा कि किस बॉडी की स्पीड ज्यादा होगी, 100 वाले की या 10 वाले की, तो स्पीड किसकी ज्यादा होगी? अब स्पीड सेम नहीं होगी, जिसका चार्ज कम है उसकी स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि हमारे पास जो है, जब बॉडी, जरा देखें इस चीज को जरा समझ लें, जब हल्की बॉडी के ऊपर सेम फोर्स लग रही है तो उसकी स्पीड ज्यादा ही होगी ना। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता हूँ जी कि आप ना किसी मोटर बाइक को धक्का लगा रहे हैं, अब बाइक के ऊपर लेट्स सपोज आप फोर्स लगा रहे हैं 300 न्यूटन की, तो उस फोर्स से आपने बाइक को मूव करवा लिया, क्या इतनी फोर्स से आप कार को मूव करवा लेंगे? लेट्स सपोज कार मूव भी कर गई है, धक्का लगाया, कार थोड़ी बहुत हिल गई है, क्या जिस स्पीड से बाइक हिली है कार भी उसी स्पीड से हिलेगी? ऑब्वियसली नॉट। क्यों? हालांकि फोर्स तो सेम है, फोर्स आपने लगाई 300 की बाइक पे, 300 न्यूटन की फोर्स आप लगा रहे हैं कार के ऊपर, तो कार की स्पीड उतनी क्यों नहीं है? तो आप कहेंगे सर कार का मास बहुत ज्यादा है, कार वजनी है, तो उतनी फोर्स से जो है ना हम उतनी स्पीड नहीं मिल सकती, हमें या तो फोर्स बढ़ानी पड़ेगी या तो स्पीड कम ही रहेगी, ठीक है जी। एक्सेलरेशन को क्या है, वो मास के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शन है ना, जितना ज्यादा मास करेंगे जो ए है उतना कम होता जाएगा। तो अगरचे फोर्स सेम है, ठीक है जी, अगरचे दोनों बॉडीज चार्जेस फोर्स सेम लगा रहे हैं, लेकिन जो चार्ज हल्का होगा ना उसकी स्पीड ज्यादा होगी। ये बात क्लियर हो गई? इस तरह की कोई बात आपने पढ़ी थी चैप्टर नंबर 5 में, 9th क्लास के ग्रेविटेशन वाले में, कि अर्थ आपके ऊपर फोर्स लगा रही है, आप अर्थ के ऊपर लगा रहे हैं, ये ज्यादा कौन लगा रहे? तो जितनी फोर्स है अर्थ खींच रही है आपको, फॉर एग्जाम्पल आपका वेट जो है ना वो 800 न्यूटन है, अब 800 न्यूटन आपका वेट है तो जमीन आपके ऊपर 800 न्यूटन की फोर्स लगा रही है, और आप भी जमीन के ऊपर 800 न्यूटन फोर्स ही लगा रहे हैं, ठीक है जी, ये बात समझ लग गई। लेकिन अगला सवाल कि क्या आप जमीन की ओर जाएंगे या जमीन आपकी ओर रहेगी? तो आप कहेंगे सर ये तो ऑब्वियस सी बात है, हम देखते हैं हम ही जमीन की ओर जाते हैं, तो इसकी वजह क्या है? तो जमीन का मैस तो बहुत ज्यादा है, पहाड़ों का मैस, समुद्रों का मैस, इतनी भारी जमीन है और आप बहुत हल्के से हैं, तो 800 न्यूटन की फोर्स से जमीन आपको खींच सकती है, यानी आप जमीन की ओर जरूर जाएंगे, लेकिन 800 न्यूटन की फोर्स से आप जमीन को नहीं खींच सकते। समझ लग गई बात की? तो यही सारा जो है ना वो म्यूचुअल फोर्स का कहने के कॉन्सेप्ट है। इसको एक बार रीड कर लेते हैं कि बोथ बॉडीज विल अप्लाई सेम फोर्स ऑन ईच अदर इररिस्पेक्टिव ऑफ चार्ज एंड मैसेज। ये चार्ज और मैसेज से कता है ना सर, उन पे डिपेंड ही नहीं कर रहे, ठीक है जी, दोनों बॉडीज क्या करेंगी, सेम फोर्स अप्लाई करेंगी। वी नाउ डैट कूलम फोर्स इज म्यूचुअल फोर्स। कूलम फोर्स क्या है? एक म्यूचुअल फोर्स है। इफ चार्ज वन अप्लाइज फोर्स ऑन चार्ज टू, देन एज अ रिएक्शन चार्ज टू अप्लाइज इक्वल फोर्स ऑन चार्ज वन बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, कि अगर चार्ज वन चार्ज टू के ऊपर फोर्स लगा रहा है तो चार्ज टू भी चार्ज वन के ऊपर फोर्स लगाएगा, लेकिन वो डायरेक्शन में क्या होगी, ऑपोजिट होगी, बाय न्यूटन थर्ड लॉ, लेकिन फोर्सेस इक्वल जरूर होंगे। क्लियर होगी बात? चलें अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। अच्छा ये जो है ना, ये जरा इक्वेशन लिख दीजिएगा, ये काफी जरूरी है, मतलब इससे जो है ना वो एग्जामिनर को क्लियर हो जाएगा कि आपको कॉन्सेप्ट बताए म्यूचुअल फोर्स का, कि F12 यानी कि जो हमारे पास चार्ज वन के ऊपर फोर्स लग रही है बाय चार्ज टू, वो इक्वल होगी टू वन के ऊपर, यानी टू के ऊपर लग रही है वन लगा रहे, ठीक है, यानी कि एक फोर्स दूसरी फोर्स के बराबर होगी लेकिन डायरेक्शन में क्या होगी, ऑपोजिट होगी। तो ये बहुत सिंपल सी क्वेश्चन है, ये भी लास्ट में लिख दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। वाई इज इट डेंजरस फॉर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स टू होल्ड लॉन्ग स्टील पोल अपराइट ड्यूरिंग लाइटनिंग वेदर कंडीशन। कह रहा है कि आसमानी बिजली जो है ना वो चमक रही है, तो जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, मजदूर हैं, उन्होंने एक लंबा सा पोल पकड़ा हुआ है स्टील का, ये खतरनाक है। वजह क्या है? ऑब्वियसली बात है, जब बिजली है वो, अब हमारे पास जो पोल है स्टील का वो कंडक्टर है, तो लाइट जो है वो उस कंडक्टर से फ्लो कर जाएगी, लाइटनिंग की जो हमारे पास बिजली है, तो उससे जो है वो उन वर्कर्स की मौत भी हो सकती है, तो ये बहुत डेंजरस, ये रिस्की काम है, ठीक है जी। इट इज डेंजरस एज लाइटनिंग कैन ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस थ्रू स्टील, सिंस स्टील इज अ कंडक्टर। स्टील कंडक्टर है, बिजली से ट्रेवल कर जाएगी। लाइटनिंग टेक्स द पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस। कह रहा है लाइटनिंग या जो हमारे पास बिजली है वो पाथ लेती है जिसमें रेजिस्टेंस कम होती है। व्हेन द कंस्ट्रक्शन वर्कर विल बी होल्डिंग लॉन्ग स्टील पोल अपराइट, अ पाथ विल बी डिवेलप फॉर द लाइटनिंग करंट टू पास थ्रू स्टील एंड देन हिज बॉडी, विच मे रिजल्ट इन द डेथ ऑफ वर्कर।
कि जब वर्कर जो है एक लॉन्ग पाइप जो है वो होल्ड करेगा स्ट्रेट, तो उससे क्या होगा, लाइटनिंग जो है वो करंट जो है वो स्टील से पास कर जाएगा, तो उसकी जो बॉडी है उससे भी पास करेगा, उसके बाद जो है वो खुदा ना खास्ता जो है वो हमारे पास कोई नागहानी वाकया हो सकता है, ठीक है जी। सो इट इज़ वेरी डेंजरस टू डू सो, तो इस तरह करना काफ़ी खतरनाक है, तो इससे बचना चाहिए। अगला हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, के कैपेसिटर की इक्वेशन के मुताबिक कैपेसिटेंस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू रेशियो बिटवीन द चार्ज स्टोर ऑन वन ऑफ इट्स प्लेस्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स प्लेस्ड। कह रहा है कि कैपेसिटर की इक्वेशन है सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी, उससे ये शो हो रहा है कि कैपेसिटेंस जो है वो चार्ज और वोल्टेज की रेशियो के बराबर है। डज इट्स वैल्यू डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस, क्या इसकी जो वैल्यू है वो क्यू पे, चार्ज पे और पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड कर रही है या नहीं कर रही। तो देखें हमारे पास जो है ना, अगर ये कैपेसिटेंस की इक्वेशन है सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी, लेकिन कैपेसिटेंस ना तो चार्ज पे डिपेंड कर रही है ना वोल्टेज के ऊपर, क्योंकि आपको पता है कि चार्ज और वोल्टेज में डायरेक्ट रिलेशन है, क्यू इज डायरेक्टली प्रपोर्शन टू वी। अगर आप चार्ज को बढ़ाएंगे तो प्लेट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस वी है वो भी बढ़ जाएगा, एज अ रिजल्ट हमारे पास कैपेसिटेंस क्या रहेगी, कॉन्स्टेंट रहेगी, कॉन्स्टेंट रहेगी। अगर आप चार्ज कम करेंगे वोल्टेज भी कम होगा, उल्टा वो काम दोनों भी होंगे, ठीक है। तो चार्ज कम किया वोल्टेज भी उस तरह कम होंगे, कैपेसिटेंस क्या रहेगी, सेम रहेगी, कॉन्स्टेंट रहेगी। तो एक्चुअली में कैपेसिटेंस हमारे पास एक ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी है, ये डिपेंड करती है कि प्लेट्स के दरमियान एरिया कितना है, प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस कितना है, प्लेट्स के दरमियान मीडियम क्या है, वो इस पर डिपेंड नहीं कर रही प्लेट्स पे चार्ज कितना स्टोर हो रहा है या वोल्टेज कितने आ रहे हैं। क्लियर होगी ये बात, इसको एक बार जरा रीड कर लेते हैं कि नो कैपेसिटेंस डजंट डिपेंड ऑन क्यू एंड वी, कैपेसिटेंस जो है वो ना तो डिपेंड कर रही है चार्ज पे ना वोल्टेज पे। कैपेसिटेंस फार्मूला इज गिवन एज सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी, बट इट डज नॉट डिपेंड ऑन क्यू एंड वी। वजह क्या है, सिंस इंक्रीज इन क्यू विल आल्सो इंक्रीज वी बिटवीन द प्लेट्स, हेंस कैपेसिटेंस विल रिमेन कॉन्स्टेंट, कि क्यू बढ़ाने से वी भी इंक्रीज कर जाएगी, एज अ रिजल्ट कैपेसिटेंस क्या रहेगी, सेम रहेगी। सो भाई ये डिपेंड किस चीज पे करती है, तो एक्चुअली में कैपेसिटेंस एक ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी है, ये डिपेंड करती है कि जो कैपेसिटर की प्लेट्स हैं उनके एरिया क्या है, जितना ज्यादा एरिया उतनी ज्यादा कैपेसिटेंस, उनके दरमियान फासला कितना है, जितना कम फासला उतनी ज्यादा कैपेसिटेंस, मीडियम बिटवीन द प्लेट्स, जितना अच्छा मीडियम अच्छा इंसुलेटर होगा उतनी ज्यादा हमारे पास कैपेसिटेंस ज्यादा होगी। यहाँ पे जो है ना आप देख सकते हैं कैपेसिटेंस का फार्मूला सी इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन डिवाइड बाई डी, ए हमारे पास क्या है एरिया ऑफ द प्लेट्स, डी क्या है डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, और एप्सिलॉन जो है ना ये हमारे पास परमिटिविटी होती है उस मटेरियल की। ये फार्मूला जो है ना ये अभी अभी कोर्स में नहीं है, इसको हम ड्राइव करेंगे इंशाल्लाह सेकंड ईयर में जाके, वहाँ पे जो हमारे पास चैप्टर है उधर ज़्यादा डिटेल से उसमें और फार्मूलाज भी हैं, ठीक है। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसे लिखा इसलिए है कि इससे जो है ना आपको इस क्वेश्चन की सेंस क्लियर हो जाएगी कि आखिर कैपेसिटेंस हमारे पास किन चीज़ों पर डिपेंड कर रही है, ठीक है। तो इस इक्वेशन को लाजमी याद करें, बहुत सिंपल सी इक्वेशन है, इससे हमारे और क्वेश्चन आंसर भी हल हो सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, डू टू कैपेसिटर्स ऑफ डिफरेंट प्लेट एरिया गेन सेम और डिफरेंट अमाउंट ऑफ चार्ज इफ कनेक्टेड विद सेम ईएमएफ। कह रहा है कि सेम ईएमएफ से आपने, मतलब सेम वी से आपने दो कैपेसिटर कनेक्ट किए हैं, लेकिन कैपेसिटर्स का प्लेट एरिया डिफरेंट है, तो क्या उन पे चार्ज सेम आएगा या डिफरेंट आएगा। तो ऑब्वियस ही बात है, जिस कैपेसिटर का प्लेट एरिया ज्यादा है उसकी कैपेसिटेंस क्या होगी, ज्यादा। कैपेसिटेंस होती क्या है, चार्ज को स्टोर करने की सलाहियत। तो अगर उसका प्लेट एरिया ज्यादा है उसकी फिर कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी, चार्ज को स्टोर करने की एबिलिटी बढ़ जाएगी, तो ज्यादा प्लेट एरिया वाले कैपेसिटर पे ज्यादा चार्ज आएगा, सिमिलरली कम प्लेट एरिया वाले पे कम चार्ज आएगा अगर वो सेम ईएमएफ से कनेक्टेड है। अभी हम इसको जरा प्रूव करते हैं इक्वेशंस के थ्रू। यहाँ देखें जी, कह रहा है कि जी जो हमारे पास कैपेसिटेंस है ना उसका फार्मूला क्या है, ए एप्सिलॉन डिवाइड बाई डी। यहाँ से शो हो रहा है कि कैपेसिटेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया के, जितना ज्यादा एरिया उतनी ज्यादा कैपेसिटेंस, जितना कम एरिया उतनी कम कैपेसिटेंस। अब क्यू किसके बराबर होता है, सी वी के, वी तो उसने सेम दिया हुआ ना, उसने कहा सेम ईएमएफ, तो अगर ईएमएफ सेम है तो उसके लिए हमारे पास रिलेशन क्या मान गया, क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी, चार्ज में और कैपेसिटेंस में डायरेक्ट रिलेशन है। तो जिसकी कैपेसिटेंस ज्यादा, यानी कि जो ज्यादा प्लेट एरिया वाला है उसकी कैपेसिटेंस ज्यादा होगी ना, उस पर चार्ज भी क्या आएगा, ज्यादा आएगा। इसको एक बार रीड कर लेते हैं, यस दे विल गेन डिफरेंट अमाउंट ऑफ चार्ज। वजह क्या है, सिंस प्लेट एरियाज ऑफ कैपेसिटर्स आर डिफरेंट सो देयर कैपेसिटेंस विल आल्सो बी डिफरेंट। दोनों का प्लेट एरिया मुख्तलिफ है तो उनकी कैपेसिटेंस भी क्या होगी, मुख्तलिफ होगी। ग्रेटर द प्लेट एरिया
ग्रेटर विल बी द कैपेसिटेंस, जितना प्लेट एरिया ज्यादा होगा उतनी हमारे पास कैपेसिटेंस क्या होगी, ज्यादा होगी, यही आपको ये इक्वेशन बता रही है। एंड फॉर सेम ईएमएफ फॉर वोल्टेजेस, चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस, और अगर ईएमएफ कांस्टेंट है, वी कांस्टेंट है, तो चार्ज में क्यू में और सी में क्या है, डायरेक्ट रिलेशन। हेंस कैपेसिटर हैविंग ग्रेटर प्लेट एरिया, जिसका प्लेट एरिया ज्यादा है, दैट विल स्टोर मोर चार्ज एज कम्पेयर टू द कैपेसिटर दैट हैव स्मॉलर प्लेट एरिया। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। अ डिवाइस हैज कैपेसिटेंस ऑफ 250 नैनो कूलम, एक डिवाइस है उसकी जो कैपेसिटेंस है वो है 250 नैनो कूलम। यू आर आस्क्ड टू डिक्रीज इट्स कैपेसिटेंस टू 50 नैनो कूलम, आपको ये कहा गया है कि इसकी कैपेसिटेंस 50 नैनो कूलम पर ले आए। हाउ कैन यू गेट इट बाय कनेक्टिंग एन अदर कैपेसिटर विद इट, आप ये कैसे कर सकते हैं इसके साथ एक दूसरा कैपेसिटर लगा के। देखें आपने इसमें दो बातें बतानी है, पहली ये कि आप कैपेसिटर को जो है वो किस कम्बिनेशन में लगाएंगे कि कैपेसिटेंस कम हो, दूसरा आपने ये बताना है कि आप कितनी कैपेसिटेंस का कैपेसिटर लगाएंगे कि वो 50 तक ही आए। तो चलिए इसका आंसर डिस्कस करते हैं। देखें सीरीज कम्बिनेशन, पैरेलल कम्बिनेशन, ये दोनों बताते खुद एक लॉन्ग क्वेश्चन है तो उन्हें यहाँ पे कवर करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप उनके जरा फार्मूलाज देखें। देखें सीरीज का फार्मूला क्या है, अगर आप उन्हें जो है कैपेसिटेंस को सीरीज में लगा रहे हैं तो हमारे पास फार्मूला क्या आ रहा है, 1 बाय सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय सी 1 प्लस 1 बाय सी 2 प्लस सो ऑन जितने भी हैं, ठीक है जी। पैरेलल के लिए क्या आ रहा है, सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू सी 1 प्लस सी 2 प्लस सी 3, तो पैरेलल में सिंपली ऐड हो रहे हैं, सीरीज में रेसिप्रोकल्स ऐड हो रहे हैं। तो अगर आप पैरेलल में लगाएंगे तो सिंपल ऐड होने की वजह से वो क्या हो जाएगा, वो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी, जमा हो जाएगी, लेकिन सीरीज में रेसिप्रोकल ऐड हो रहे हैं तो वो कम होगी। ये बात समझ आ रही ना आपको, तो हमें तो करना क्या है, 250 से 50 पे लाना है, कम करना है। तो एक तो बात यहाँ क्लियर हो गई कि हम किस में लगाएंगे, सीरीज में लगाएंगे। लेकिन ये जो आंसर आया है कि हम 62.5 का लगाएंगे, ये कैसे आएगा, तो इसके लिए हम कैपेसिटेंस इन सीरीज का ही फार्मूला यूज करेंगे। वो फार्मूला क्या है हमारे पास, 1 बाय सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय सी 1 प्लस 1 बाय सी 2। चाहिए कितनी, इक्विवेलेंट कितनी है हमारे पास, 50, सी 1 कितना है 250, और सी 2 फाइंड करना है। तो यहाँ पुट कर दें कि सी इक्विवेलेंट है 50 नैनो कूलम, सी 1 है 250 नैनो कूलम, तो यहाँ पुट करें 1 बाय 250, ये जो 1 बाय 250 है यहाँ प्लस हो रहा है, उधर जाए क्या हो जाएगा माइनस, तो जब आप इसे माइनस करेंगे यहाँ पे देखें जी 250 हमारा पास जो है वो एलसीएम आ जाएगा, तो ये 250 को तकसीम करें 50 के साथ 5 आएगा, फिर तकसीम करें इसके साथ तो 1 आएगा, तो 5 - 1 आ जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारे पास जो है ये एलसीएम लेने के बाद ये आ जाएगा 1 बाय सी 2 इज इक्वल टू 4 बाय 250। इसको आपने रेसिप्रोकेट करना है, यानी कि इसको उल्टा कर दें, उल्टा करने से क्या हो जाएगा, सी 2 बाय 1 किसके बराबर आया, 250 डिवाइड बाय 4, दोनों को डिवाइड कर दें तो सी 2 का आंसर कितना आ गया, 62.5 नैनो कूलम। तो जनाब आपको 62.5 नैनो कूलम का जो कैपेसिटर है वो 250 वाले के साथ सीरीज में लगाना पड़ेगा, फिर ही 50 पे आएगा। कि आई विल कनेक्ट कैपेसिटर ऑफ 62.5 नैनो कूलम इन सीरीज विद 250 नैनो कूलम टू डिक्रीज कैपेसिटेंस टू 50 नैनो कूलम, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। किसी भी क्वेश्चन में कोई इशू है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।